वेलकम बैक गाइस। तो यार नया सीजन आ चुका है, आप सभी लोग लग गए होंगे रैंक पुश में। कई सारे भाई तो पहुंच भी गए होंगे हीरोइक, मगर अगर आप अभी भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, ग्रैंड मास्टर पुश करना चाहते हैं अभी तक नहीं गए हैं, तो कोई बात नहीं है, तुम्हारा भाई आ चुका है एक नई धमाकेदार बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हैं गाइस, तो आप आराम से अपनी रैंक पुश कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है गाइस, आपको अपने गेम से पर्गेटरी मैप हटा देना है। बरमुंडा मैप का गेम प्ले स्टाइल है, मैं आपको पूरा गेम प्ले करके दिखाऊंगा कैसी सिचुएशन में कैसी हैंडल करनी है, वो सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको अपना पर्गेटरी मैप डिलीट कर देना है गेम से, क्लियर डाटा करना, वो डिलीट हो जाएगा आपको, ताकि आप जितने बार भी गेम स्टार्ट करें आपका बरमुंडा मैप आएगा, क्योंकि बरमुंडा मैप में रैंक पुश करना गाइज ईजी रहता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि गाइज आप सोलो खेलना, क्योंकि सोलो में हमारा रैंक्स पॉइंट जो होते हैं ज़्यादा मिलते हैं और ज़्यादा रैंक प्लस होती है, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं देखो सोलो में बरमुंडा मैप के अंदर। यहाँ पर आपको गाइज कूदना है बीमा शक्ति पे, क्योंकि अगर आप पीक तो जाएंगे नहीं, इसको रैंक पुश करनी है तो नहीं हम कोई आइट साइड जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे बीमा शक्ति पे। क्योंकि इस लोकेशन में देखो मेन फ़ायदा ये है कि इसके जो घरों के डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब आप बंदों को इजीली स्पॉट कर सकते हैं। जैसे आपकी लोकेशन में कोई आएगा तो आप उसको आराम से स्पॉट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्कैनर है तो आराम से मैं देख सकता हूँ कि बंदे कितने आएंगे, ठीक है। ये वाले घर से मैं शुरू करूँगा। तो लोड आउट्स में दोस्तों आपको रखना है बाउंटी टोकन और स्कैनर, क्योंकि बाउंटी में अगर हमको AWM मिल जाए तो वो बेस्ट वेपन है सोलो के लिए। जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है वेपन्स का वो है AWM प्लस शॉटगन, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अभी मिल गई है टॉमी गन, और यहाँ से अभी मैं तुरंत क्या करूँगा, पहले बंदों को देखो पूरा अच्छा सा पूरा क्लीन व्यू यहाँ से मुझे दिख रहा है बीमा सकता है कि कहाँ पे बंदे हैं, तो आपको यहाँ से इजीली स्पॉट कर सकता है। देखो वहाँ पे मुझे बंदा दिखा, तो ये वाली लाइन में लूट करते हुए आगे जाऊँगा, क्या पता मुझे आगे चलकर कोई अच्छी वेपन मिल जाए शॉर्ट रेंज फाइट के लिए, क्योंकि सबसे पहले हम उसको मारेंगे गाइस, हम यहाँ पे लूट नहीं करेंगे, पहले उसको मारेंगे। तो इस लाइन में मैं आगे बढ़ूंगा ताकि मुझे लूट भी मिलते रहे और मैं उसके क्लोज भी जाते रहूँ। ये देखो अभी वो बंदा इस लाइन पे लूट करता आता ही होगा, ये देखो ये बंदा आया, इसने अभी मुझे देखा नहीं है, तो हम पूरा वेट करेंगे। अगर वो इस वाले घर में आता तो और भी अच्छा है, मगर वो पीछे जा रहा है तो हम यहाँ से जाएंगे सीधे उस पर रश करने, क्योंकि अगर बाद में उसने अच्छी लूट करी तो हो सकता है वो हमको मार दे। तो हम टॉमी गन है मेरे पास, तो मैं इसको तुरंत मारूंगा। ये देखो थोड़ा आराम से खेलना गाइस, सेफ होके। ये देखो बंदा आया, हल्का सा ट्रैक करा सीधा हेडशॉट, ठीक है। उसने मुझे नहीं देखा था लेकिन मैंने उसको पहले देख लिया था, तो इसलिए जब भी आप अपने एरिया में आते हैं पहले बंदों को अच्छे से स्पॉट कर लेना कहाँ पे है, उनको आराम से आप मार सकते हैं। ये देखो बाउंड्री में मुझे यहाँ पे AWM तो मिली नहीं, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम आगे का गेम प्ले कंटिन्यू रखेंगे और आपको बताऊँगा मैं कहाँ पर क्या करना। तो यहाँ पर मैंने एक बंदा तो मार दिया है और हम यहाँ पर घरों में लूट करेंगे आराम से, सेफ खेलते हैं। कभी भी ओपनली मत जाना, साइड साइड से लूट करना, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक और बंदा वहाँ पे दिखा था, तो इस लाइन में हम चलते हैं। मैंने पूरा एरिया लगभग लूट कर लिया है, मुझे XM8 मिली जिसका फायर रेट अच्छा है, तो ये वेपन अच्छा रहेगा फिलहाल के लिए। ये देखो बंदा आया, अगर सर ट्रैक करेंगे और सीधे हेडशॉट, ठीक है। तो इसको भी मैंने पहले स्पॉट कर लिया था, देखो जब हम स्कैनर में हमने पहले देख लिया था कितने बंदे थे, तो यहाँ पर दो बंदे उस टाइम दिखा रहे थे, तो फिलहाल दो बंदे मैंने दोनों मार दिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्या करना है, पूरे एरिया में आप लूट करेंगे आराम से, और लूट करने के बाद आपको ये वाले एरिया में जाना है, ऊपर के जो दो घर हैं यहाँ पे जाना है, क्योंकि जो भी आपने फाइट करी है अगर उसमें आपका वेस्ट डैमेज है तो यहाँ पे देखो वेस्ट अपग्रेडर रहता है, यहाँ से आप अपना वेस्ट को आराम से अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वेस्ट को अपग्रेड करूँगा, इन दो घरों में लूट कर लेना, ग्लोबल्स वगैरह मिल जाती है। और इसके बाद हम जाएंगे गाइस या तो पीक में या फिर क्लॉक टावर में, क्योंकि वहाँ पर जो बंदे कूदे होंगे रस वाले, उनकी फाइट खत्म हो गई होगी उन लोगों की, तो हम उनको जाके मारेंगे, हमारे किल्स बढ़ जाएंगे, किल्स बढ़ेंगे तो हमारे पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। आप चाहे तो कैंपिंग भी कर सकते हैं, अगर आप कैंप करना चाहे तो, आप पूरा सेफ खेलना चाहते हो तो, कैंप में कुछ फ़ायदा नहीं है यार, मज़ा नहीं आता, इसलिए हम कैंप नहीं करेंगे यहाँ पे, हम जाएंगे रश करने, मतलब अटैकिंग खेलने। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा गाइस पीक में, और ड्रोन भी आ गया जो कि बहुत अच्छी बात है, मुझे बंदा दिख जाएगा। तो वो बंदा दिखेगा जी यहाँ पे ट्रक के पीछे, वो बंदा है। तो अभी हम क्या करेंगे, फाइट नहीं लेंगे गाइस, क्लोज इन फाइट, अगर उसके पास शॉटगन होगी तो हमको मार सकता है, इसलिए अभी मेरे पास ग्रेनेड्स है तो मैं ग्रेनेड्स यूज़ करूँगा, एक वहाँ पर फेंकूँगा और एक यहाँ पर, ताकि बंदे को मौका ना मिले। अब वो बंदे को देखते हैं, अगर डैमेज पहुंचता है तो फिर हम रश करेंगे। ये देखो गैस वो मर गया पहले वाले ग्रेनेड से ही। तो ये देखो ड्रोन में एक और बंदा दिखा रहा है ऊपर, इसलिए आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप ड्रोन के आसपास रहें ताकि आप बंदों को स्पॉट कर लें, ठीक है। तो ऊपर मेरे ख्याल से घर में छुपा है, हम पहले लूट कर लेते हैं उसके बाद ऊपर चलेंगे, अपने पास कवर भी है। तो ग्लोबल मिली भाई से, ग्लोबल ले लेते हैं और चलते हैं सीधे ऊपर, ठीक है। तो ये वाले घर में तो मुझे वो दिखा नहीं, शायद वो भाग गया था गाइस, पर कोई बात नहीं, एक बार हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, कहीं भी हो सकता है। बहुत से बंदे ना सोलो में कैंपर्स बहुत मिलता है, तो इससे थोड़ा अलर्ट रहना है यहाँ पे। तो वो तो मुझे मिला नहीं है, अब चलते हैं गाइस कार, अगर आपको कार मिल जाएगा गाइस वो बेस्ट है, क्योंकि देखो ओपनली
हम भागते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। अब उस एरिया में लूट करने के बाद गाइस मैं क्लॉक टावर आ रहा था, तो क्लॉक टावर में आने से पहले मुझे फैक्ट्री में देखो क्या फाइट चल रही है, क्योंकि अभी नया ऑप्शन फ्री फायर उन्होंने जोड़ा है ग्लाइडर, तो सब लोग आराम से फैक्ट्री की छत में चले जा रहे हैं। तो आपको गाइस क्या करना है, देखो बंदा है हमको ड्राइव देंगे, मगर उसको लगा नहीं क्योंकि सारी गोली पैन पर लगी, इसको भी कोशिश करेंगे पर वो कवर में भाग गया, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, आप फैक्ट्री के छत में मत जाना, देखो एक और बंदा आ रहा है ग्लाइडर पर, मतलब मजाक चल रही है। तो गाइस फैक्ट्री के एरिया में ऐसे छत में मत जाना, क्योंकि छत में क्या है ना लगातार बंदे आएंगे और आप एक ना एक फाइट से यार मर ही जाओगे। देखो वहाँ पे कैसी फाइट चल रही है, धड़ाधड़ मर रहे बंदे। वैसे कोई बंदा आया, अगर ये मुझे मारेंगे को आएगा तो हम आराम से ट्रैक देंगे इसको, हेड शॉट देंगे, देखते हैं अगर वो देखता है हमको, मगर वो हमको देख नहीं रहा है। देखो ऊपर और फाइट चल रही है, देखो गाइस। तो फैक्ट्री की छत में ऐसे मत जाना गाइस, क्योंकि हमको फाइट नहीं लेनी है, क्लोज रेंज फाइट तो लेनी नहीं है, लॉन्ग रेंज फाइट लेनी है, वही हमारे लिए बेस्ट है। अभी इनको छोड़ते हैं हम गाइस, चलते हैं पीछे, क्योंकि सर्कल आ रहा है, देखो सर्कल के अंदर है, हम पहले पीछे चलते हैं सर्कल के एंडिंग में, क्योंकि वहाँ पे भी कई बंदे मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ड्रोन पे ये घर के वहाँ पे एक बंदा दिखाया गया जो उसने, चलो उसको मारने चलते हैं, क्योंकि देखो सर्कल छोटा बन गया है, पीछे से हमको ये दिक्कत कर सकता है बाद में, तो पहले इसको मार लेते हैं क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है, तो चलते हैं इसको। ये देखो एक और बंदा निकला गया देखो जोन के बाहर से, तो उसको इतना भी मुझे देखा नहीं है, हम पूरा वेट करेंगे यहाँ पे और अचानक से उसको निकल के मारेंगे, ठीक है। जब हमारे पास क्लू आना उसको इधर ही है, देखो जोन इधर ही है, जैसे इधर आएगा फिर इसको निकल के मारेंगे हम। ये देखो बंदे को डैमेज पहुंचा बहुत ज़्यादा, तो फ़ायदा नहीं है उसको ग्लोबल लगाने का, सीधे मर जाएगा, ठीक है, ये मर गया। अब हम नीचे चलते हैं, क्योंकि ये वाले घर में उसने ड्रोन पे उस वक्त बंदा दिखाया था, वो देखो गाड़ी निकाली भाई ने, अब वो मेरे ख्याल से जोन में भाग रहा है, तो चलते हैं उसके पास। अभी भी हमारे पास 27 सेकेंड है और सर्कल का एंड है, तो किल निकालने की कोशिश करेंगे। देखो वो टावर पर एक और कैंपर था, उसने उसको डैमेज दिया, मगर मैंने उसको मार दिया कार से बाहर निकलते ही। अब ये कैंपर को हम मारेंगे, कि देखो अभी भी हम बस 10 सेकंड बचे हैं, वो बंदा पक्का उसको नीचे तो आने ही, क्योंकि अब सर्कल आने वाला है, और वो जैसे ही नीचे आएगा हम उसको डैमेज देंगे और तुरंत मार देंगे वहाँ पे, ठीक है। उसका वेट करता है यहाँ पे, अब बंदे का आने ही वाला है, देखो अब तो सर्कल शुरू हो गया, आने ही पड़ेगा उसको, और हम आराम से किल निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ़ायदा नहीं क्योंकि मेडिकेट तो वो मार ही नहीं सकता, पीछे से जोन आ रहा है, ठीक है। अब आराम से देखो वैसे हमने किल निकाल ली है 6, यहाँ पे टॉप 10 में भी पहुँच गए हैं, 6 किल निकल गए हैं, और अब सर्कल छोटा हो गया है, और हम क्या करेंगे अब एंड टू एंड भागेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल ओपन फील्ड से नहीं जाना है, एंड टू एंड भागना है, ताकि आप बंदों से सेफ रहें, पीछे वाले बंदे कई बार गेम बिगाड़ देते। तो बंदा है यहाँ पे, हल्का सा ट्रैक करेंगे सीधे हेडशॉट, ठीक है। तो उससे ग्लोबल वगैरह ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़, ऊपर से गोली पड़ी है, फटाफट से चलते हैं कवर की ओर, और इसके बाद एक मेडिकेट मार लेते हैं। वो देखो बस एक और वहाँ पर बंदा ड्रैगन वॉक चला रहा है ड्रॉप के पास से साइलेंसर के साथ, तो बहुत सही ऊपर वाले बंदे से फाइट कर रहा है वो। पहले हम चलते हैं अच्छे से कवर पे, ठीक है, साइड से चलते हैं, उसने मुझे देखा नहीं है अभी, तो आगे पत्थर में परमानेंट कवर है, यहाँ पे चलते हैं। बॉम्ब यूज़ करूँगा मैं शायद, उधर ऊपर वाला बंदा गोली मारा, तो ऊपर क्या करते हैं ग्लोबॉल से कवर बना लेते हैं। ये बंदा आया, हल्का सा ड्रैग करेंगे सीधे हेड शॉट, ठीक है। जो अपनी ओर बंदा रश करता है ना गाइस, उनको हेड शॉट बड़े आराम से लगता है, इसलिए कोशिश ये करना कि बंदे आपकी ओर रश करें, आप रश ना करें उन पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसने ऊपर वाले बंदे को भी मार दिया था, तो अब हम फटाफट से ग्लोबॉल वगैरह देख लूट लेंगे इससे, मगर अपने आसपास देखना, क्योंकि सर्कल छोटा है तो बहुत सारे बंदे हमको पहले से एम करके बैठे रहते हैं, फाइट ओवर होती है तुरंत हमको मार देते हैं, इसलिए पहले हमें से चेकिंग करना, उसके बाद लूट करना। एंड जोन में तो बहुत, वैसे कोशिश करना कि आप लूट ही ना करें एंड जोन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मर जाते हैं बंदे, ठीक है। अब लूट करिए, हमने जोन छोटा हो रहा है अभी, हम मैं क्या करूँगा, मैं बिल्कुल एंड टू एंड भागूंगा जोन के साथ चिपक के, ओपन फील्ड से जाऊँगा तो मुझे कोई भी स्पॉट कर लेगा और मार देगा, तो मैं एंड टू एंड जाऊँगा बिल्कुल जोन के साथ साथ। वो देखो एक और बंदा निकला वहाँ पे, तो 4x में ऊपर है नहीं, तो हेड पड़ेगा नहीं उसको, अगर कोशिश कर लेते हैं कोई टेंशन नहीं, अपने पास 9 ग्लोबल्स है तो हम कवर बना लेंगे आराम से, ठीक है। वो बंदा को अब आना ही पड़ेगा इधर, मुझे मानने की, तो बंदा आया, हल्का सा ट्रैक करेंगे सीधे हेड शॉट, ठीक है। तो अभी 9 किल्स मेरे देखो आराम से निकल गए हैं, हमने कोई हॉट ड्रॉप भी नहीं लिया, और 9 किल्स हमारे अभी से हो गए। तो वो AWM का शॉट पड़ा फैक्ट्री छत से, और कवर बनाऊंगा मैं तुरंत। अभी देखो गाइस जोन कितना गलत बन गया है, एकदम ओपन फील्ड पे है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ये देखो अभी हमारे पास 30 सेकंड है, पहले तो हम यहाँ पे पूरा वेट करेंगे, ठीक है। क्या बताओ बंदे आपस में लड़े, परमानेंट कवर है यहाँ पे, हम यहाँ पे चलते हैं, पहले एक कवर बना लेंगे अच्छा सा। ये देखो कवर बना, 27 सेकंड है जोन को बनने को, ठीक है। तो हम यहाँ पर पूरा वेट करेंगे, क्योंकि AWM वाला बंदा बाद में दिक्कत कर सकता है, उसने हमको देख लिया हमारी पोजिशन। तो अभी तो और बंदों से भी फाइट करेगा वहाँ पे, फैक्ट्री के छत से मारा था शायद वो, तो ये सब फैक्ट्री के छत वाले बंदे हैं। देखो जोन बिल्कुल ओपन फील्ड में, हम क्या करेंगे पूरा वेट करेंगे, और जब जोन शुरू हो जाएगा उसके बाद हम कोने कोने से जाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 5 सेकंड बचे हैं और देखते हैं,
वहाँ पे देखो बंदूक की फाइट चल रही है, एक और बंदा मरा, तीन बंदे बचे हैं, तो जोन भी शुरू हो चुका है। अब हम बिल्कुल क्या करेंगे, जोन के एंड से एंडिंग में निकलेंगे, बिल्कुल एंड में। ये देखो जोन आ रहा है, अब हम बिल्कुल कोने से निकलेंगे। हाथ में वेपन रखना है ताकि आपको पैन बचाते रहे अगर आप पे कोई शूट करेगा तो, ठीक है। एंडिंग जोन में तो हमेशा ध्यान रखना है इसका। तो बिल्कुल कोने कोने चलेंगे हम, और वो देखो बंदे मुझे शायद मार रहा है वहाँ पे एक। उसके बाद हम ग्लोबॉल से तुरंत कवर बना लेंगे, ठीक है, जैसे हम जोन के अंदर आ जाएंगे। ये देखो कवर बनाया, अभी ये बंदे आएंगे, हम इनको आराम से मार सकते हैं। देखो सब जोन के मिडिल में है, सब मारेंगे। पहले ऊपर वाले को मार लेते हैं, इसको मारेंगे आराम से, मार गया। देखो लास्ट बंदा बचा है, तुरंत से पहले ग्लोबॉल के पीछे है शायद वो, हाँ वहीं पर है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, क्लोज रेंज फाइट नहीं लेंगे गाइस, हमको पूरी कोशिश करनी है कि हम लॉन्ग रेंज में उसको मारे, क्योंकि क्लोज रेंज में 50-50 वाला सीन रहता है, कोई भी जीत सकता है। ये देखो बंदा आया, हल्का सा ट्रैक करेंगे, सेटअप टेक्निक और सीधे हेडशॉट आराम से। गाइस देखो मेरे 20 किल यहाँ पे, नहीं सॉरी 12 किल्स मेरे निकल गए हैं, और हमने कोई हॉट ड्रॉप नहीं, देखो ना हम क्लॉक टावर गए और ना ही हम कोई पीक पे गए, बिल्कुल नॉर्मल जगह पे हम उतरे और फिर भी हमारे इतने सारे किल्स निकल गए। तो गाइस अगर इस तरह से आप अपना गेम प्ले रखते हैं, आप आराम से अपनी रैंक भी पुश कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी एक अच्छी प्रोफाइल भी बना सकते हैं, जो कि आपकी मदद करेगा एक अच्छे गिल्ड को ज्वाइन करने में। तो आई होप यार आपकी वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल है। तो यार प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप दोस्तों आपसे अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Chegou a hora. Solta o som.